.NET classes, your selection, our ambition. जी हाँ, अब आपका सिलेक्शन हमारा लक्ष्य। तो आज ही सब्सक्राइब करें .NET classes को एवं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू .NET classes। .NET classes में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम लोग आए हुए हैं आज एक ITI में, जिसका विजिट करने आए हुए हैं। काफी बच्चों के मन में बहुत डाउट थे, काफी दिनों से डाउट थे कि सर कौन सी ट्रेड अच्छी होती है, कौन सी ITI बढ़िया है, गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI में क्या अंतर है। तो वो सारी चीजें देखने के लिए हम लोग आए हुए हैं होशंगाबाद शहर की एक CV Raman ITI में। ठीक है, तो हम लोगों ने ये ITI क्यों विजिट की है वो आप लोगों को अंदर देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि यहाँ की लैब जो है बहुत ही शानदार बनी हुई है। फिटर की है चाहे इलेक्ट्रीशियन की लैब है, बहुत ही अच्छी बनी हुई है, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अंदर जाके ही आप समझ पाएंगे कि कैसा कॉलेज है, कैसी लैब है और कौन सी ब्रांच सही रहेगी आपके लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं ITI के अंदर। आप लोग देख रहे हैं ये बिल्डिंग जो है पूरी ITI की बिल्डिंग है। यहाँ पर जो है पूरे क्लासरूम बने हुए हैं, पर्टिकुलर एक एक क्लासरूम बने हुए हैं, लैब्स बनी हुई है यहाँ पर। तो सारी लैब्स के अंदर हम लोग चलेंगे, है ना। फिटर इलेक्ट्रीशियन की अलग सेपरेट लैब हैं, क्लासरूम में चलेंगे, प्रिंसिपल सर से मिलेंगे। तो जैसा आप ये देख रहे हैं, ये बड़ी सी लैब है, इलेक्ट्रीशियन की लैब है, इसके अंदर भी हम लोग चलेंगे, है ना। तो वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए लैब में देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रीशियन की लैब है, जैसा मैंने बताया था, लैब के अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं, क्या क्या फैसिलिटी है, प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं या क्या है। हम लोग इलेक्ट्रीशियन की लैब में, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी लैब है यहाँ पर, है ना। इलेक्ट्रीशियन की ऐसी लैब आपने दूसरी किसी ITI में नहीं देखी होगी। ये पूरी लैब जो है वो CV Raman ITI में है। तो यहाँ पर आपको मैं बोलूँगा कैमरामैन से कि पूरी यहाँ पर जितनी भी मशीनें हैं वो सारी मशीनें यहाँ पर दिखाए वो आप लोगों को, ठीक है। इसको काफ़ी पास से दिखा है वो, जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आएँ कि क्या कौन कौन सी मशीनें हैं यहाँ पर। जैसे कि आप देख रहे हैं मोटर जनरेटर सेट हैं, ठीक है, AC to DC कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पूरे MG सेट लगे हुए हैं, जितनी भी मशीनें हैं, मोटर हैं यहाँ पर, पूरी हर चीज़ की फैसिलिटी आप लोगों को दिख रही है। बेंच वाइज है, यहाँ पर जॉइंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर्स हैं, ये बच्चों के लॉकर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है बच्चे अपने टूल्स रखते हैं, टूल्स भी यहीं से दिए जाते हैं। आप देख रहे हैं ये आधा पार्ट आपने देखा था, सेम टू सेम यही पार्ट आपका इस साइड भी है, ठीक है। बच्चे काफ़ी रहते हैं इलेक्ट्रीशियन में, तो पूरे बच्चों की प्रैक्टिकल अच्छे से हो जाएं, इसलिए यहाँ पर ये दो सेट में बनाया गया है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी वर्कशॉप जो है पूरी इलेक्ट्रीशियन की वर्कशॉप है, देख पा रहे हैं आप। ये जितने भी टूल्स यहाँ पर, ये सब चीज़ें दिख रही हैं, मशीनें जो हैं पूरी इलेक्ट्रीशियन की हैं। ये लॉकर्स हैं, है ना, बच्चों के टूल्स यहाँ पर रखे रहते हैं यहाँ पर। आई थिंक आप लोग पूरा अच्छे से देख चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे बाहर चलते हैं और कुछ बच्चे जो आ रहे हैं उन लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों का ITI के प्रति। नमस्ते, आप लोग इसी ITI से हैं? जी सर, ICI। तो अभी मैंने काफ़ी देर से देख रहा हूँ कुछ बच्चे वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो क्या कारण है उसका, बच्चे नहीं आते हैं क्या? एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, एग्जाम वगैरह आपके चल रहे हैं, तो एग्जाम यहाँ नहीं होते हैं, बाहर होते हैं क्या एग्जाम? जी, एग्जाम बाहर। अच्छा, एग्जाम बाहर होते हैं। यहाँ पर भी लैब वगैरह है, तो यहाँ पर दूसरे ITI के एग्जाम होते हैं? अच्छा अच्छा, तो आप लोगों की क्लासेस लगती हैं, डेली लगती हैं क्लासेस? लगती हैं। अच्छा, कौन सी ट्रेड से हैं आप लोग? फिटर से हैं। तो इलेक्ट्रीशियन या फिटर दोनों में से क्या बेटर है? जी हमारे लिए तो फिटर ही बेटर है, क्योंकि रेलवे में आता है फिटर। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे वैकेंसी तो इलेक्ट्रीशियन की भी निकलती है, आप लोगों का इंटरेस्ट जो है फिटर में। अच्छा, चलिए ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए अब फिटर की वर्कशॉप देख लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन की वर्कशॉप आप लोगों ने देख ली है, फिटर की वर्कशॉप देख लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी मशीनें हैं, प्रैक्टिकल्स वगैरह क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं फिटर की लैब में। यहाँ पर फैकल्टीज़ बैठे हुए हैं, ये हैं वीरेन सर, यहाँ पर फिटर ट्रेड के टीचर्स हैं। यहाँ पर हैं आदर्श सर, यहाँ पर आप लोगों का .NET क्लासेस में स्वागत है। हम लोग यहाँ पर विजिट करने आए हुए हैं ITI में कि फिटर ट्रेड में लैब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रीशियन में क्या होती है। तो फिटर ट्रेड में सर आप हमारी थोड़ी हेल्प करिए, बच्चों को थोड़ा गाइडेंस करिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर, कौन कौन से प्रैक्टिकल होते हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं, क्या सब कुछ होता है सर।
और आपकी आईटीआई जो है सीवी रमन आईटीआई, उसमें क्या खासियत है, यहाँ पर लैब में क्या फैसिलिटी है जो दूसरी जगह पे नहीं मिल पाती है? शुरू करना चाहूँगा कि जो फिटर ट्रेड में स्टार्टिंग होती है जॉब से, मल्टी स्टील का एक जॉब दिया जाता है, उसे कटिंग फाइलिंग करके हमें शेप में बनाना पड़ता है। ये असेंबली फिटिंग जो होता है, फिटर का मेन मतलब होता है फिटर और मेंटेनेंस, फिटिंग, हाउ टू फिट समथिंग। तो ये जो फिटिंग के जॉब्स होते हैं, इसमें कटिंग फाइलिंग और दो तीन ऑपरेशंस आते हैं। अच्छा। जो बच्चे मल्टीस्टील की प्लेट को काट के, जी मल्टीस्टील एमएस फ्लैट रहता है, लंबी पट्टी रहती है, बेंच वाइज से बंधी रहती है, उसे काट के वो नाप के आकार में फिर उसमें कटिंग फाइलिंग करते हैं। ये बेंच वाइज है, इस पर जॉब को इस प्रकार से होल्ड किया जाता है, जी इस प्रकार से अपनी आवश्यकता अनुसार होल्ड करते हैं और फिर फाइलिंग करके अपना जॉब बना के प्रैक्टिकल करते हैं। सर ये मशीन जो लगी हुई है, ये क्या नाम है सर इसका? इसका नाम है बेंच वाइज। अच्छा। बेंच के ऊपर फिट होता है ये, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इसके जॉज, जॉ मतलब जबड़े, एक फिक्स जॉ रहता है, एक मूविंग जॉ रहता है, और ये इसका लीवर होता है, स्पिंडल होता है। जो ये जो लोहे का पीस है सर, इसको मतलब रफ करना पड़ता है, तो ये काफ़ी हार्ड काम हो जाता है। हार्ड काम होता है, थोड़ा हैवी रहता है। अच्छा। और जो बॉयज को प्रेफर करते हैं कि थोड़ा डाइट वगैरह लेके आएँ, ताकि वीकनेस अच्छा। फील ना हो। जी है ना, फिजिकली वर्क इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। अच्छा। 10-20% एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। अच्छा सर, क्या स्कोप है सर फिटर ट्रेड के? फिटर ट्रेड का स्कोप है, जब तक है मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, जब तक मशीनें हैं तब तक है फिटर का स्कोप है। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन और फिटर में क्या कंपेरिजन करेंगे आप, दोनों में से क्या बेटर है? बच्चों को ये डाउट्स रहते हैं। देखिए, बेटर तो फिटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में भी मेंटेनेंस का काम निकलता है। अच्छा। और वो जो है उसके लिए फिटर वाले को ही वो हायर करते हैं। अच्छा। तो इलेक्ट्रिशियन का अपना एक अलग महत्व है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, अच्छा। है ना, दोनों का अपना अलग इंपॉर्टेंस है, एक के बिना दूसरे जो है वो अधूरे हैं। जी। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन जो है वो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कॉइल वाइंडिंग वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, और उसका मेंटेनेंस करना होता है, बियरिंग, हब, शाफ्ट या उसकी माउंटिंग, फाउंडेशन, ये सब चीज़ जो है फिटर के स्टूडेंट्स आगे चल के वो बनते हैं, टेक्नीशियन बनते हैं, और फिर उसमें वो चेक करके मेंटेनेंस करते हैं पूरे सही तरीके से। ये कुछ मशीनें हैं सर, इनको किसी को चालू करके बता सकते हैं सर आप? आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रिल मशीन से। जी। जब ऐसा जॉब कटिंग फाइलिंग करके उस मशीन ओके कर लेते हैं इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, तो इसमें बच्चों को नाप के डायमेंशन लेके इसमें एक निर्धारित साइज का ड्रिल करना होता है। वो ड्रिल जो है ये वर्टिकल कॉलम ड्रिल मशीन है। ये ड्रिल मशीन जो है इसमें मशीन वाइज लगा हुआ है, मशीन वाइज खुल के यहाँ पे आपका जॉब फिक्स हो जाता है, और जॉब फिक्स होने के बाद आप इसमें इसे चालू करके आप इसमें ड्रिल कर सकते हैं आपके जॉब में। कुछ इसका इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं। जी जी। ये लेथ जो है ये बहुत सारे ऑपरेशन करने के काम आती है, जैसे टर्निंग, थ्रेडिंग, फेसिंग, नर्लिंग और टेपर टर्निंग, स्टेप टर्निंग। क्या है कि अभी हमने आपको जो बताया वो फ्लैट जॉब का था, फ्लैट जॉब आपको क्लीन कैसे करना है, फाइलिंग कैसे करना है। ये जो है ये शाफ्ट को क्लीन करती है, इस पर आप फाइल तो नहीं चला पाएंगे, फाइल नहीं चल पाएगी ना। जी, जी। तो फाइल चलाने के लिए आपको इसे घुमाना पड़ेगा बार बार, तो इससे हमने क्या दिमाग लगाया कि इसे फिट कर दो और इसे सीधा घुमा दो। अच्छा। और आप एक टूल लिए रहते हैं आपने। जी। ये टूल रहता है। जी। ये टूल जो है घूमते हुए जॉब को छीलता है। अच्छा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं टर्निंग, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप छीलेगा तो वो कहेगा स्टेप टर्निंग। अच्छा। और धीरे धीरे घटते क्रम में छीलेगा तो कहेंगे टेपर टर्निंग। अच्छा। तीन चार इसके ऑपरेशन होते हैं। तो ये जो है बच्चों को थर्ड सेम में है। जी जी। आजकल ये फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम में आ गई है। अच्छा, ये बहुत ईयरली सिस्टम हो गया है। ईयरली सिस्टम हो गया। अच्छा, अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जो फिटर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं सारे इस मशीन के, वो तो उनको सब आ जाता है, डाउट इसमें रहता है, है ना, कि इसके पार्ट्स कौन कौन से, इसका मेंटेनेंस कैसे होता है। जी, इसको सर चालू करके बता दीजिए सर, ये कैसा होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता है लेथ मशीन के बारे में। देखिए, पहले तो बस स्टार्ट करके बता दीजिए आप सिंपल। मैं पार्ट्स बताऊँ दो मिनट के, कि ये है आपका कैरेज, ये हेड स्टॉक, यहाँ पे कंट्रोल्स रहते हैं पूरे। यस। ये टेल स्टॉक, ये चक है इसका, और यहाँ पे जॉब फिट किया हमने, थ्री जॉ चक है। जी जी। आप देख रहे हैं जो सरफेस है, इतनी न्यू सरफेस है और इतनी थोड़ी सी ओल्ड है। जी। है ना, अब देखते हैं।
इनको टूल रखने के लिए लॉकर्स दिए जाते हैं। अच्छा, टूल्स भी दिए जाते हैं क्या आईटीआई में? यहाँ पे 10 टूल हैंड टूल इशू किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। इलेक्ट्रिशियन में अलग हैंड टूल और फिटर में अलग हैंड टूल्स। अच्छा, जैसे आपकी फ्लैट फाइल हो गई बास्टर्ड वाली, जी, हेक्सा फ्री, और इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, पंच, स्क्राइबर्स, जी, और डिवाइडर, हैमर, जी, है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट 10 टूल इशू किए जाते हैं इनको। अच्छा, जिससे कि वो यहाँ आए, लॉकर से अपना टूल्स निकालें और प्रैक्टिकल करें। तो ये आपके आईटीआई से ये फैसिलिटी दी जाती है, टूल्स यहाँ पे दिए जाते हैं। और क्या क्या फैसिलिटी हैं सर यहाँ पर लैब में? बुक्स भी इशू की जाती हैं। अच्छा, तो बुक्स में आपकी पांचों बुक्स आ जाती हैं। अच्छा, है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग की, साइंस, फिटर थ्योरी की, फ्री दी जाती हैं सारी बुकें। अच्छा, क्लासेस वगैरह डेली लगती हैं? क्लासेस डेली लगती हैं यहाँ पे। गर्ल्स के लिए क्या स्कोप है फिटर में? गर्ल्स भी लेती हैं फिटर ट्रेनिंग? गर्ल्स के लिए स्कोप ये है कि गर्ल्स से इंडस्ट्रीज में हैवी काम नहीं कराया जाता है। अच्छा, करते हैं स्टोर रूम में कंप्यूटर पे बैठा दिया जाता है। अच्छा, और कंप्यूटर पे बैठा के उनसे जो भी टूल की इशू, जी, डेट और टूल, जैसे कोई टूल आया नया, जी, ना या टूल कोई डिस्पैच करना है या डिलीवरी लेनी किसी टूल की, जी, वो सब एंट्री करवाया जाती है, कंप्यूटर में डाटा फीड करवाया जाता है। अब क्या है, नॉन टेक्निकल अगर स्टूडेंट रही वो, है ना, तो वो समझेगी कैसे, क्योंकि उसने आईटी की नहीं, टूल्स के बारे में पढ़ा नहीं। और अगर टेक्निकल स्टूडेंट है तो शी कैन अंडरस्टैंड इजली कि भैया ये टूल कौन सा है, कहाँ जाके रखाएगा, किसको इशू करना है मुझे। जी, तो लड़कियों गर्ल्स के लिए स्पेशल, गर्ल्स के लिए भी स्कोप है इसमें। गर्ल्स ये सोचती हैं जनरली कि इसमें हमसे काम बन नहीं पाएगा, जी, जी, जी। उनको प्रैक्टिकल यही करना है, जी, जी। इंडस्ट्री में उनका कोई हैवी काम नहीं रहता, जी, उनको कंप्यूटर बैठ के बस ऑपरेट करना होता है कि हाउ टू इशू द टूल, हाउ टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ टूल, बस स्टोर रूम में उनका काम रहता है सिंपल। अच्छा, ऐसा है। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने लैब के बारे में पूरा बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अब देखते हैं, प्रिंसिपल सर से मिलते हैं यहाँ के, और उनसे आपके जो भी डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं सीबी रमन आईटीआई के प्रिंसिपल सर के रूम में। तो प्रिंसिपल सर हैं, मैं सर का स्वागत करूंगा .NET क्लासेस में। सर स्वागत है आपका .NET क्लासेस में। तो कुछ बच्चों के जो डाउट्स हैं, तो वो पूरे डाउट्स जो हैं आज सर हमारे सामने यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे बच्चों के डाउट रहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन या फिटर। अभी क्या एक्चुअली हम लोग आपकी लैब में गए, लैब काफ़ी शानदार बनी हुई है इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों की। तो दोनों ही ट्रेड्स के जो TO थे आपके, ट्रेनिंग ऑफिसर, उन लोगों ने भी हम लोगों के दिमाग का जो डाउट था वो क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोग गए थे इलेक्ट्रीशियन की लैब में, तो इलेक्ट्रीशियन के सर ने जैसा बताया था कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ज़्यादा अच्छी है। वैसे ही हम लोग फिटर की लैब में गए थे, तो फिटर के सर ने बताया कि फिटर की ट्रेड जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो सर वो जो डाउट्स है वो आप ही हमें क्लियर करें कि इलेक्ट्रीशियन या फिटर दोनों में से कौन सी ट्रेड बेटर है। देखो, ट्रेड तो दोनों अच्छी है अपनी अपनी जगह पर, इलेक्ट्रीशियन भी अच्छी है और फिटर भी अच्छी है। ये डिपेंड करता है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में है। यदि बच्चों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रीशियन में है तो उन्हें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड लेना चाहिए, यदि बच्चों का इंटरेस्ट फिटर में है तो उन्हें फिटर ट्रेड लेना चाहिए। और यह है कि फिटर ट्रेड जो है उसमें क्या हार्ड वर्क है, और इलेक्ट्रीशियन नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन में या फिटर के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि सर ने बताया कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है वो फिटर ट्रेड में अंतर ये है कि फिटर में थोड़ा सा हार्ड वर्क रहता है। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर हैं, फिजिकली कमज़ोर हैं, तो वो लोग फिटर ना लेते हुए इलेक्ट्रीशियन ले लें, है ना। दोनों ही ट्रेड का जो है इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, इलेक्ट्रीशियन में या फिटर में। ठीक है सर, इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन है, जैसे सर और भी ट्रेड्स रहती हैं, तो काफ़ी आईटीआई इसमें इलेक्ट्रीशियन है फिटर ही ट्रेड्स क्यों उपलब्ध रहती है, और आपकी आईटीआई में भी फिटर और इलेक्ट्रीशियन ही ट्रेड क्यों है सर? क्या है, वैसे तो बहुत सारी ट्रेडें होती है, जैसे डीजल मैकेनिकल है, कोपा है, वेल्डर है, टर्नर है, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा डिमांड बच्चों में इलेक्ट्रीशियन और फिटर की होती है, क्योंकि इनकी वैकेंसी भी बहुत अच्छी ज़्यादा निकलती है, और प्राइवेट सेक्टर में भी इनका काफ़ी डिमांड है। और ये ट्रेड करने के बाद बच्चे अपना खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों ही ट्रेड ज़्यादा। तो जैसा कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर सर ने बता दिया है कि जो इलेक्ट्रीशियन और फिटर जो है उसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं काफ़ी निकलती हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, दोनों ही सेक्टर में इसकी वैकेंसियाँ काफ़ी निकलती हैं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन एक और था, काफ़ी डाउट है बच्चों के मन में कि सर एक प्राइवेट आईटीआई होती है और एक गवर्नमेंट आईटीआई होती है, तो गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई में क्या अंतर होता है सर? गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई दोनों NCVT से मान्यता प्राप्त होती है, दोनों सेम होती है। डिफरेंस इतना है कि गवर्नमेंट आईटीआई में फीस कम लगती है, और गवर्नमेंट आईटीआई में हाई परसेंटेज वाले बच्चों का सिलेक्शन होता है, और प्राइवेट जो आईटीआई है इसमें फीस ज़्यादा लगती है,
लेकिन इसमें बच्चे कम परसेंटेज वाले भी आईटीआई कर सकते हैं। ठीक है सर, ने बताया कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट आईटीआई हैं दोनों में जो है डिप्लोमा जो है मान्यता बराबर है, दोनों में सेम डिप्लोमा मिलता है, बस थोड़ा सा फीस का अंतर होता है। गवर्नमेंट आईटीआई में फीस कम लगती है और प्राइवेट आईटीआई में थोड़ी सी फीस उससे ज़्यादा लगती है। ठीक है सर, अभी जो है काफ़ी टाइम से बच्चों का इंटरेस्ट जो है आईटीआई की तरफ है, तो सर इस साल का क्या इंटरेस्ट है बच्चों का, क्या एडमिशन वगैरह इस साल हुए हैं, कितने हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, कम हैं, या इंटरेस्ट कैसा रहा सर इस साल बच्चों का? देखो बच्चों का रुझान तो इस साल भी बहुत ज़्यादा है, इस समय हमारे यहाँ जो सीटें हैं प्रायः सब भर चुकी हैं, लिमिटेड सीट ही बाकी हैं हमारे यहाँ। जी जी, तो देख रहे हैं आप लोग, सर ने बताया इतनी बड़ी आईटीआई है और उसके बाद भी यहाँ पर लिमिटेड सीटें ही बची हुई हैं, जो है पूरी सीटें फुल हो चुकी हैं यहाँ पर, तो बच्चों का इंटरेस्ट अभी भी आईटीआई के प्रति बना हुआ है क्योंकि वैकेंसियाँ काफ़ी निकलती हैं, इसीलिए शायद इंटरेस्ट जो है बच्चों का अभी भी बना हुआ है। सर एक आखिरी क्वेश्चन और है कि यहाँ पर आपकी आईटीआई में इतनी बड़ी आईटीआई हम लोगों ने देखी है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ विजिट किया, लैब वगैरह भी काफ़ी अच्छी हैं, तो यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटी हैं सर जो बच्चों को मिलती हैं यहाँ पर? तो हमारे यहाँ क्या है, बच्चों को फ्री बुक्स वगैरह टूल्स वगैरह हैं, बैग, ये सब चीज़ें फ्री दी जाती है जी। इसके बाद बच्चों को इंडस्ट्री विजिट के लिए भी ले जाते हैं, हमेशा साल में दो बार उनको इंडस्ट्री विजिट करवाते हैं, गेम्स की सुविधाएँ हैं, बच्चों से गेम्स वगैरह भी करवाए जाते हैं और रिजल्ट भी हमारे यहाँ का काफ़ी अच्छा रहता है। सर क्लासेस वगैरह का कैसा क्या है, क्लासेस वगैरह प्रॉपर? क्लास हमारे यहाँ प्रॉपर रेगुलर लगती है और हमारे यहाँ सभी पीओ जो है सब बी होल्डर हैं। तो अभी सर हम लोगों ने देखा आईटीआई में काफ़ी बच्चे, हमें बहुत ही कम बच्चे मिले यहाँ पर और क्लासेस वगैरह भी नहीं थी, तो अभी ऐसा क्या एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं क्या? हाँ अभी ये एग्ज़ाम चल रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए बच्चे कम हैं। ठीक है सर, आपका समय देने के लिए डॉटनेट क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो फ्रेंड, हम लोगों का विज़िट जो है पूरा कंप्लीट हुआ है यहाँ पर सी बी रमन आईटीआई होशंगाबाद में। ठीक है, तो आप लोगों के जो भी मन में डाउट थे वो पूरे क्लियर हो गए होंगे, और यदि इसके अलावा भी आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एडमिशन अभी भी ओपन है, कुछ सीटें यहाँ पर बाकी हैं, तो आप चाहें तो यदि आप आसपास के क्षेत्र से हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी आईटीआई है, हम लोगों ने देखा यहाँ पर पूरी लैब वगैरह जो भी था सब कुछ देखा, पूरा स्टाफ जो भी प्रिंसिपल थे उनसे हमने चर्चा की, हर डाउट जो है वो क्लियर करे हैं। यदि इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।